सो हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे आई एम गोइंग टू गेट अ न्यू नोटिफिकेशन डन. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड था जो मैं अपनी बाइक में कराना चाहता था. मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि क्या करूँ एक्चुअली मैं, और देन आई फाइनली केम अप विद अ सोल्यूशन और आई एम रियली हैप्पी विथ द आउटकम. सो आई होप यू गाइज विल लाइक इट. आई विल ट्राई टू लीड इट डाउन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर. सो अब लेट्स गेट डाउन राइट टू इट गाइज. दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड. दिस इज अ ग्रैब रेल. I purchased this some time back and I'm going to install it on my bike, but there needs to be some modification done on this too. So guys, ये मेरे मैकेनिक ने करा था. बीच में एक होल बनाना पड़ता था उसको, ये ऐसा देख सकते हैं आप. इसको उसने ग्राइंड करके कर दिया था ताकि, क्योंकि फिटिंग नहीं बैठ रही थी तो इसको करना पड़ा, दो होल्स काफ़ी थे. सो गाइज, द फर्स्ट थिंग विच नीड टू डू इज वी नीड टू ओपन द बैक सीट. सो गाइज, आफ्टर दैट वी नीड टू ड्रिल टू होल्स इन दिस मेटल प्लेट दैट इज जस्ट वी नीड द बैक सीट. सो एज यू कैन सी द मैकेनिक इज ड्रिलिंग टू होल्स. सो वंस दिस प्रोसेस इज डन वी कैन गेट ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप. सो गाइज, हियर यू कैन सी देर आर टू होल्स विच आई हैव डन इन दिस प्लेट, मेटल प्लेट ओवर हियर. एज यू कैन फिट द बार डायरेक्टली ओवर हियर. सो वंस वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन आई विल टेल यू हाउ थिंग्स वर एंड हाउ आई गॉट दिस प्लेट एंड हाउ वी इंस्टॉल्ड इट. सो बेसिकली एज यू कैन सी द मैकेनिक इज इंस्टॉलिंग इट राइट नाउ. बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है. मुझे फिटिंग का थोड़ा इशू था, प्रॉब्लम लग रहा था, बट बहुत अच्छा हुआ कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुई नहीं और मैंने ईजिली इसको फिट करवा लिया. आप देख सकते हैं जैसे इसको मैकेनिक टाइट कर रहा है अभी. तो लेट्स सी हाउ द फाइनल थिंग इज. सो गाइज, फाइनली ग्रैब रेल इंस्टॉल हो गई है बाइक पे और आप देख सकते हैं मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही है. अगर मतलब कुछ मिसिंग था इस बाइक में जो अब कंप्लीट हो गया है. बेस्ट पार्ट क्या है कि कलर भी सेम ही है, मतलब इसके जैसे मैट ब्लैक है तो ये मेरे को उसी ग्रे कलर में ही मिल गया, तो सही लग रहा है. मतलब बैटमैन की बाइक लग रही है अब तो पूरी. बाकी मैं आपको कुछ और शॉट्स दिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल तो बाइक धुलवा लूँ अब. सो गाइज, दिस इज़ द स्टॉक सीट. एज यू कैन सी देर इज़ नथिंग इंस्टॉल्ड इन द सीट राइट नाउ, बट ये मतलब बहुत गुड नहीं है. गाड़ी पीछे करते टाइम या तो कोई पिलियन बैठा है तो उसको ग्रैब करने के लिए कुछ भी नहीं है और बहुत ही इनकन्वीनियंट था मेरे लिए. प्लस मैं गाड़ी को पीछे करता था, केवल हैंडल था जिसको मैं पकड़ सकता था. प्लास्टिक को पकड़ना मतलब उसमें स्क्रैच लगाना, तो वो भी ठीक नहीं है. सो गाइज, एज यू कैन सी मैंने अपनी ग्रैब रेल इंस्टॉल कर दी है बाइक पे. ये अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट है. लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका, लाइक साइड वे से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था. सो गाइज, लीव अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू टू इट. दैट्स इट फॉर टुडे. पीस आउट गाइस.